अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब का आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है और पंजाब जो है वो आबादी के एतबार से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इसीलिए इसका जो हजम है वो भी हमें बाकी सूबों की निस्बत बड़ा दिखाई देता है। इसकी हम डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन इस बजट के अंदर एक दो बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तालीम और सेहत के ऊपर खसूसी तवज्जो दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो है बजट को बढ़ाया गया है, और फिर जो स्पेशल जोन पसमानदा इलाके हैं बिलखसूस साउथ पंजाब है उसके लिए खसूसी फंड कायम किया गया, और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अजला जो 36 अजला हैं उनके लिए भी तरक्याती पैकेज तैयार किया जा रहा है, इस बजट में रखा गया है। क्योंकि अक्सर ज़िलों को ये शिकायत होती थी, और सिर्फ पंजाब में नहीं बाकी सूबों के अंदर भी ये शिकायत होती है जी, कि जो तरक्याती फंड है वो जो सूबाई दारकूमत है या ख़ास जो शहर हैं उस तक महदूद होते हैं, और जो दूर दराज पसमानदा इलाके हैं वहाँ तक तरक्याती फंड जो हैं वो नहीं पहुँचते और वो पसमानदगी का मजीद इजाफा होता है। तो इस साल बजट में जो पंजाब का है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जिस तरह से NFC के तहत सूबे वफाक से खतीर रकम हासिल करते हैं, इसी तरह सूबाई फाइनेंस कमीशन होता है जिसमें सूबों में तकसीम ज़िलों के अंदर बजट की तकसीम होती है, लेकिन अमूमन सूबे इस PFC को जो है नज़रअंदाज करते हैं। तो लेकिन इस पंजाब के इस बजट में ये यकीन दहानी कराई गई है जी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी फंड जो है वो फराहम किए जाएंगे। पंजाब का जो बजट का मजमूई हजम 2653 अरब रुपये बताया गया है, और इसमें जो करंट एक्सपेंडिचर होंगे खराजात जारिया जो है वो 1428 अरब रुपये और 560 अरब रुपये जो है वो डेवलपमेंट स्कीमों के लिए रखे गए हैं, जो पिछले साल की निस्बत जो है वो तकरीबन 60% ज़्यादा हैं। और पंजाब का जो बजट है उसका हजम भी पिछले साल की निस्बत 18% ज़्यादा है। जो वसूलियों का हदफ इस साल जो था वो तो यकीनन अचीव किया गया, और बल्कि जितना हदफ रखा गया था उससे ज़्यादा अचीव किया गया था, 13% ज़्यादा जो है कि हासिल वसूल किए गए थे। रेवेन्यू का हदफ जो है वो 317 अरब रुपए का था पंजाब का, और 359 अरब रुपए जो है वो वसूलियाँ हुई हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ एंटी करप्शन की जो एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट की थी तो उसकी मद में 206 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। फिर अखराजात जारिया को जो कंट्रोल किया गया उसके अंदर कफायत शहरी मुहिम के तहत कुछ 97 अरब रुपये वहाँ से बचत की गई, और फिर जो मेट्रो थी लाहौर की उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स को तब्दील किया गया उसके एग्रीमेंट को जब दोबारा रिवाइज़ किया गया तो कोई 8-8.5 अरब रुपये वहाँ से भी बचत हुई थी। जो NFC के तहत अब अगले साल पंजाब हुकूमत को तकरीबन 18% ज़्यादा महासिल मिलेंगे रवां साल की निस्बत 1648 अरब रुपए, क्योंकि अभी जो कौमी महासिल हैं उनका साइज़ भी बढ़ रहा है और कौमी जो मईशत है उसका साइज़ भी बढ़ा है, तो इसलिए 18% ग्रोथ जो है NFC के शेयर में पंजाब एक्सपेक्ट कर रहा है। और 405 अरब रुपए जो है वो जो सूबाई टैक्स हैं या महासिल हैं उनकी मद में वसूल करने का हदफ मुकर्रर किया गया अगले साल का, जो रवा माली साल की नस्बत 28% ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा जो फंड रखा गया है डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर तालीम और सेहत के लिए 205 अरब और 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ये कोई तकरीबन आलमोस्ट 100% जो है रवा माली साल की नस्बत ज़्यादा है। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अगले साल जो है कोई तकरीबन 150 अरब रुपये 145 अरब 40 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मंसूबों के लिए मुख्तस किया गया है, और ये रवा माली साल की नस्बत को तकरीबन 87% ज़्यादा है। और इसके अलावा स्पेशल प्रोग्राम जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे साउथ पंजाब या बाकी इलाके हैं और इसके साथ साथ कुछ और स्पेशल प्रोग्राम में आगे तफसीलात बताएंगे, उनके लिए 91 अरब 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं, और ये 90% ज़्यादा है रवा माली साल की नस्बत से। और फिर जो पैदावारी शोबा है एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रियल और ये जो सेक्टर्स हैं उनमें जो तरक्याती स्कीमें उनके लिए रखी गई हैं वो तकरीबन कोई 58 अरब रुपये उसके लिए मुख्तस किए गए हैं, जो 200% जो है रवा माली साल की नस्बत ज़्यादा है। और ये जो डेवलपमेंट बजट के अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आ रहा है पंजाब का, बेसिकली इसकी वजूहत ये हैं, जैसे वफाकी हुकूमत का PSDP इस साल पिछले साल की नस्बत जो है 250-300 अरब रुपये ज़्यादा था। इसी तरह सूबों में भी तवक्को की जा रही है कि वहाँ पर डेवलपमेंट बजट बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का साइज़ बढ़ा है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड हुआ है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें अभी सूबों में नज़र आएंगी।
सेहत और तालीम में जो नुमाया इकदाम पंजाब में अगले साल किए जाएंगे उसमें एक तो सेहत सब के लिए प्रोग्राम जो है उसके तहत तकरीबन 11 करोड़ आबादी है पंजाब की, उन तमाम की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी और इसमें जो नेशनल हमारे CNIC हैं, शनाख्ती कार्ड हैं, उसी को इंश्योरेंस कार्ड का दर्जा दिया जाएगा। अभी DG खान और साहिवाल में इसको आगाज़ किया जा चुका है, तो रवां माली साल अगले माली साल के अख्तिताम तक जो है कि पंजाब के तमाम शहरियों की हेल्थ इंश्योरेंस हो चुकी होगी और इस पर तकरीबन ये 80 अरब रुपए की ये हेल्थ इंश्योरेंस होगी। इस प्रोग्राम के लिए 60 अरब रुपए हुकूमत मुख्तस कर रही है और पंजाब के शहरियों को अगले साल के अख्तिताम तक तमाम सरकारी और जो निजी अस्पताल हैं उसमें मुफ्त जो है सेहत की सहूलियात हासिल होंगी और ये यकीनन एक बड़ा इनकलाबी इकदाम होगा और इसके बड़े दूर असरात मुरतब होंगे सियासत के ऊपर भी और अगले इलेक्शन के ऊपर भी। और इसके अलावा पंजाब में जो जच्चा बचाओ की सेहत के हवाले से 12 अरब रुपये की लागत से 5 नए अस्पताल कायम किए जाएंगे और सेहत के जो मजमूई बजट और जो अगले 3-4 सालों के लिए जो प्लानिंग की जा रही है उसके लिए तकरीबन 369 अरब रुपये का ये तखमीना लगाया गया है और इसमें ये तकरीबन रवां माली साल की निस्बत ये 30% ज़्यादा है और इसमें जो करंट एक्सपेंडिचर हैं वो 273 होंगे और जो डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट होंगे वो 96 अरब रुपये के होंगे। और फिर पंजाब के अंदर अगले माली साल के अंदर एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो भी शुरू की जाएगी और ये यकीनन बड़ा तारीखी इकदाम होगा कि दूर दराज इलाकों में अगर हादसात हो जाते हैं या कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो हमें हर बार जो है कि आर्मी की तरफ या फोर्सेस की तरफ देखना पड़ता है कि उनके हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं, तो अब एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है पंजाब में वो शुरू की जाएगी। और इसके साथ जो तालीम के सेक्टर के अंदर तकरीबन कोई 450 अरब रुपए का जो बजट है वो तालीम के ऊपर खर्च होगा, इसमें कुछ 388 अरब रुपए जो है खराजात जारिया के हैं और 54 अरब 22 करोड़ रुपए जो हैं वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और इसी तालीम के शोबे में भी 13% जो है रवां माली साल की निस्बत अगले साल जो है बजट बढ़ाया गया है। 577 तकरीबन पौने 600 प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और उनको मिडिल और हायर जो स्कूल हैं सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, इसके ऊपर तकरीबन 7.25 अरब रुपए लागत आएगी और इससे 40 लाख जो स्टूडेंट्स हैं बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा। 8 नई यूनिवर्सिटियां कायम की जाएंगी, कोई 1 अरब 20 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है और इसी तरह सियालकोट में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी उसके लिए 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप की मद में भी कुछ 83 करोड़ और 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। साउथ पंजाब के हवाले से जो हमने स्टार्ट में कहा कि स्पेशल प्रोग्राम और स्पेशल स्कीमें शुरू की जाएंगी, साउथ पंजाब में कुछ तकरीबन 190 अरब रुपए के तरक्याती स्कीमों का आगाज़ किया जाएगा अगले साल से और इसमें जो गुरबत में कमी के हवाले से भी कुछ स्कीमें हैं जिन पर 34 अरब रुपए लागत आएगी और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे जिसमें 15 अरब रुपए लागत आएगी और 36 अजला में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए 295 अरब रुपये रखे गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो छोटे अजला हैं पंजाब के उनके ऊपर खर्च होगा। तो ये जो एक तासर था कि सिर्फ लाहौर के ऊपर या रावलपिंडी के ऊपर या फैसलाबाद या चंद बस 4-5 बड़े शहरों के ऊपर सारा डेवलपमेंट बजट खर्च होता है, तो इस तासर को अब ख़त्म किया जा रहा है और अमली तौर के ऊपर जो है कि तकरीबन 300 अरब रुपये जो है कि बाकी तमाम डिस्ट्रिक्स के अंदर फ्राहम किए जाएंगे। लाहौर के लिए अभी भी अगले साल एक स्पेशल पैकेज है कोई 28 अरब रुपए का है वो जिसके अंदर लाहौर की डेवलपमेंट के ऊपर उसको खर्च किया जाएगा। नौजवानों पर पंजाब में फोकस किया जाएगा और जो तकरीबन 40,000 नौजवानों को फनी तरबियत की स्किल्स दी जाएगी, इसमें वर्ल्ड बैंक जो है इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक पंजाब हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, $100 मिलियन जो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक फ्राहम करेगा और $10 मिलियन वो पंजाब हुकूमत फ्राहम करेगी। रोड नेटवर्क के ऊपर कोई 1,769 स्कीमें शुरू की जाएंगी और इस पर 380 अरब रुपए की लागत आएगी और 13,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनकी तमीर और मरम्मत की जाएगी और ये अगले साल इसमें 58 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और फिर इसी तरह से इसको कंटिन्यू किया जाएगा अगले मज़ीद साल में। फिर अपना घर स्कीम जो PTI का एक स्लोगन है उसके तहत कोई 14 लाख
लागत आएगी एक फी छोटा घर जो है बनाने में, और इस किस्म के घर जो है बनाकर वो फराम किए जाएंगे। और साफ़ पानी की जो स्कीमें हैं उसके लिए कुछ 86 अरब रुपए और 16 तहसीलें हैं जिनमें साफ़ पानी की फरामी की स्कीमें शुरू की जाएंगी। छोटी तहसीलें हैं जहाँ पर पसमानदगी ज़्यादा है और वहाँ पर ये फरामी है आपकी स्कीमें शुरू की जाएंगी। इसमें वर्ल्ड बैंक जो है सपोर्ट करेगा और इस पर 86 अरब रुपये लागत आएगी। टैक्सों के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ जो मुराद पहले से इस रवा माली साल में भी दी हुई थी, जिसमें स्टैंप ड्यूटी पर 1% उसके ऊपर था, उसी को बरकरार रखा गया। 25 जो सर्विसेज दी उन पर GST 16 से कम करके 5% किया गया था, तो वो बरकरार रहेगी अब, बल्कि उसमें मज़ीद 10 जो हैं वो नए सेक्टर्स जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं, और उनमें भी अब 16% से सेल्स टैक्स को कम करके 5% किया जाएगा। इनमें ब्यूटी पार्लर, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, होम शेफ हैं, आर्किटेक्ट हैं, लॉन्ड्रीज और मशीनरी जो सप्लायर्स करते हैं वो, और फिर जो ये वेयर हाउसेज वगैरह हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, रेंटर बिल्डोज़र वगैरह, इस किस्म की जो सेक्टर्स हैं उनको ये मुराद दी जाएंगी। और जो कॉल सेंटर्स हैं उन पे टैक्स की शरह जो है 19.5% थी, जिसको अगले साल से कम करके अब 16% किया जा रहा है। रेस्टोरेंट में जो बिल पेमेंट्स की जाती है उसमें जो कैश है उस पर 16% टैक्स होगा, और जो कार्ड, डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट होगी तो इसको वो 16% की बजाय 5% जो है उनके ऊपर टैक्स कटौती की जाएगी। इसलिए किया जा रहा है ताकि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी जो है वो हो सके। और जो मोबाइल के ऊपर QR कोड्स वगैरह अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, अगर उसके ज़रिए से कोई पेमेंट करेगा तो उसको भी ये 16% की बजाय 5% उसके ऊपर टैक्स होगा, तो टैक्स यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार की सेल और परचेज को प्रमोट करने के लिए भी, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए और उसकी जो टोकन फीस है उसमें नुमाया तौर के ऊपर कमी की जा रही है, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है ट्रांसपोर्ट पंजाब के अंदर आए। इलेक्ट्रिक कार की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी ऊपर 50% छूट दी जाएगी, और जो टोकन फीस है उसमें 75% छूट दी जाएगी। ज़रई शोबा जो है पंजाब का, क्योंकि इस साल जो है कॉटन बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई थी बीजों के हवाले से भी और रिसर्च के हवाले से भी, तो ज़रई शोबे में रिसर्च को और बीज के हवाले से बड़ी ख़ास अगले साल तवज्जो दी जाएगी। तकरीबन कोई 7.5 अरब रुपए पहला बजट था इस साल ज़रई सेक्टर के लिए, तो उसको बढ़ाकर अब 31.5 अरब रुपए अगले साल जो है वो फराम किया जाएगा, ताकि ज़राअत के शोबे में रिसर्च को प्रमोट किया जाए। और बीजों के ऊपर, म्यारी बीज के ऊपर सब्सिडी भी रवा साल जो 7.5 अरब रुपए थी उसको बढ़ा के अगले साल जो है कि वो कुछ तकरीबन 7.5 अरब के करीब जो है, तकरीबन 2 अरब के करीब जो है इसके ऊपर मज़ीद एलोकेशन की जा रही है, ताकि म्यारी बीज किसानों को बरवक्त फराम किए जा सकें और जो नुकसान इस साल हुआ है वो अगले साल ना हो सके। अमन अमान के हवाले से का जो पुलिस और दीगर जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनके लिए 8 अरब रुपये का जो है वो बजट मुख्तस किया गया है। और पंजाब में भी सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी गई है, और ग्रेड 1 से 19 तक वो मुलाजमीन जिनको पहले रिलीफ या अलाउंस नहीं मिला था उनको 25% जो है स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, और कम से कम उजरत पंजाब में 17,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। तो पंजाब का बजट को अगर मजमू तौर के ऊपर हम देखें तो यकीनन इसके अंदर इंसेंटिव्स भी फराम किए गए हैं, और बिलखसूस जो पसमानदा इलाके, जो तहसील लेवल के ऊपर साफ पानी की फरामी का मामला है, या एयर एम्बुलेंस है, या हेल्थ फॉर ऑल इंश्योरेंस का जो प्रोग्राम है, और साउथ पंजाब के लिए जो 190 अरब रुपए के मंसूबे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है, तो यकीनन जो तरक्की हमें पंजाब के बड़े शहरों में सिर्फ नज़र आती थी वो अब शायद पंजाब के छोटे शहरों में और तहसीलों में भी नज़र आने लगे। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 150 के करीब जो टाउन्स थे उनको भी उनके अंदर जो है कि बड़े शहरों की तरह की डेवलपमेंट का एक जो मास्टर प्लान है वो अप्रूव किया है, और उससे भी जो म्यारे ज़िंदगी है वो पंजाब में बेहतर होगा। तो अगले साल तवक्को की जा रही है कि पंजाब के अंदर भी जो बजट है इसको हम डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड कह सकते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर बिलखसूस तवज्जो दी गई है, ताकि इससे रोज़गार के मौके भी पैदा हों, एग्रीकल्चर भी डेवलपमेंट हो, जो सनती पैदावार है उसमें भी बेहतरी आए, और जो आवाम का म्यारे ज़िंदगी है वो भी बुलंद हो।